तो आज सुबह कुछ चर्चा हुआ भगवान के विश्वरूप के बारे में। कुछ लोग सोचते कि भगवान का विश्वरूप जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया गीता में, ये परम रूप है, उससे आगे कुछ नहीं है। पर तो अभी हम देखेंगे कि उसी 11वां अध्याय में भगवान और अर्जुन के पास क्या वार्तालाप हुआ। विशेष जब अर्जुन ने विश्वरूप दिखाया, मतलब कृष्ण ने अभी विश्व रूप दिखाया अर्जुन को धर्म, और उन्होंने विशेष प्रार्थना किया कि आप, मैं अभी काफी देखा, अभी मुझे वो आपका जो असली रूप है देखना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे। तो अर्जुन का इच्छा था विश्वरूप देखना, परंतु ऐसा क्यों? अध्याय 10 में वहां स्पष्ट हुआ कि भगवान, जब भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा वचन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता, जिनके पास ज्ञान है कृष्ण के बारे में वो भाव के साथ कृष्ण की सेवा करते। तो उसके बाद अर्जुन ने स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुष्पम ऋषया सर्वे देवार्षि नारद स्थात तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविश्य में, जो स्वयं भगवान ने कहा अपने ऐश्वर्यों के बारे में। वो ऋषि मुनि जैसे नारद वेद व्यास वो सब स्वीकार करते कि कृष्ण भगवान है, स्वयं अर्जुन ने वो भी समझ गए। तो उसके बाद उन्होंने क्यों विश्वरूप के बारे में जिज्ञासा किया, क्यों उनका इच्छा था विश्वरूप देखना, इसके बारे में वर्णन है कि अर्जुन को स्पष्ट हुआ कि कृष्ण भगवान है, परंतु वो जानते थे कि भविष्य में ऐसा लोग आएंगे जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, सोचेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति है, कि एक राजा के पुत्र है नंद कुमार, तो एक प्रिंस है ऐसे, और उन्होंने बहुत सारे पाप किए, ये एक बड़ा चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, जरूर ये सब ऐसे लोग हैं। तो उसके लिए अर्जुन ने जिज्ञासा किया कि, और प्रार्थना किया कृष्ण से कि आप विश्वरूप दिखाए, क्योंकि विश्वरूप देखने से अभी कृष्ण का जो द्विभुज रूप है वो देखने से लोग सोचते क्या कि भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। उसके बारे में कृष्ण ने खुद उन्होंने कहा कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तब जो मूर्ख लोग है सोचते कि मैं सामान्य व्यक्ति हूं, क्या है अवजानती मां मूर्धा मानुषिम तारुम आश्रिता, वो लोग जो नहीं जानते मेरा परम रूप के बारे में, वो सोचते हैं जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं कि मैं सामान्य व्यक्ति हूं, तो ये मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं। अवजानती मां मूर्धा, कृष्ण ने ये सब उपयोग किया कि मूर्ख लोग ऐसे सोचते। तो इसीलिए अर्जुन ने प्रार्थना किया कि आप मुझे विश्वरूप दिखाओ। विश्वरूप ये एक रूप है इस भौतिक संसार में जो हमेशा के लिए, जैसे इस संसार नित्य नहीं है तो इस प्रकार विश्वरूप भी नित्य नहीं है। जब इस संसार का सृष्टि हो जाता है तब ये विश्व, इस विश्वरूप भगवान एक धारण कर रहे हैं, इस विश्वरूप उन्होंने दिखाया अर्जुन को, और उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया देखने के लिए। क्यों ये सब वार्तालाप हुआ, वो कृष्ण ने कहा कि आपको के पास दृष्टि नहीं है विश्वरूप देखने के लिए, इसलिए मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। क्यों? क्योंकि तथा कथित भगवान लोग जो अभी आजकल भी है, जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, बोलते कि मैं भी भगवान हूं, तो हम ऐसे लोगों को भी
चुनौती दे सकते हैं और उनसे हम पूछ सकते हैं कि अगर आप भगवान हैं तो आप विश्व रूप दिखाइए जैसे आपने अर्जुन को दिखाया। तो अगर ऐसे लोग बोल बोल सकते कि हम भगवान हैं और विश्व रूप भी दिखा सकते परंतु तो आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, तब हम बोल सकते हैं जैसे आप ने दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, तो आप मुझे भी दिव्य दृष्टि दीजिए, आप तो भगवान हैं, अगर आप भगवान हैं तो आपके पास शक्ति होगा मुझे दिव्य दृष्टि देने के लिए कि मैं देख पाऊं। तो अगर वो कर पाएंगे तब उन्होंने एग्जाम पास किया भगवान का, मतलब भगवान है अगर वो दिव्य दृष्टि दे सकते, अगर वो विश्व रूप दिखा सकते, परंतु अगर नहीं तो तब भगवान नहीं है, तब डोंगी। तो इस प्रकार अर्जुन ने ये रक्षा देने के लिए, लोगों को रक्षा देने के लिए जो गंभीर व्यक्ति है वो इसके लिए उन्होंने विश्व रूप के बारे में जिज्ञासा किया। तो जब विश्व रूप वास्तव में देखा भगवान का ऐश्वर्य अलग अलग प्रकार के भयानक रूप, और उन्होंने भी देखा कि ये जो कुरुक्षेत्र में सारे बड़े बड़े योद्धा है कि कैसे ये सारे जैसे विश्व पितामह और सब सब लोग दुर्योधन द्रोणाचार्य सब लोग ये विश्व रूप के मुंह के अंदर में गए, भगवान उसी रूप में सबको खा लिया, खत्म कर दिया। उस समय अर्जुन ने देखा सब। तो कृष्ण ने कहा जब विश्व रूप दिखाने के बाद माते व्यथा मा च विमूद भावो दृष्ट्वा रूपं घोरं इदं ममेदं व्यपेत विप्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान ने कहा यहां पर कि आप बहुत परेशान हो गया ये रूप देखने से। तो इस प्रकार अभी मैं बंद करूंगा ये दर्शन, आप मेरे बात थे, आप अभी वो रूप देखिए जिससे आप आराम मिलेंगे। तो कौन सा रूप के बारे में? संजय वाचा इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः अश्वस्यं आसभूतिमेरं भूत्वा पुनः सम्यवपुर्महात्मा। तो संजय ने कहा कि पुनः पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को ने इस प्रकार उन्होंने कहा और उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया विष्णु रूप नारायण और उसके बाद द्विभुज रूप वापस दिखाए जो कृष्ण के मित्र है, मतलब कृष्ण अर्जुन के मित्र है तो वो उनका फ्रेंड। तो अर्जुन ने कहा उसके बाद अर्जुन वाचा दृष्ट्वेरं मनुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृता सचेता प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने देखा भगवान का मनुष्य मनुष्य जैसे रूप जो वास्तव में भगवान का ओरिजिनल रूप है जाना था, तो जो बहुत सुंदर है, तो तब अर्जुन का मन शांत हो गया। उन्हें स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वाभाविक परिस्थिति में वापस आ गया। तो यहां पर भगवान ने एक चीज बताया जो समझना बहुत जरूरी। स्वयं कृष्ण ने कहा श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दर्शयमासियं यं मम देव आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कंक्षिता। भगवान कृष्ण ने कहा सुदूरदर्शम इदं रूपं, उन्होंने कहा ये जो द्विभुज रूप है सुदूरदर्शम, सुदूरदर्शम इसका अर्थ है ये रूप जो है कृष्ण का रूप जो यहां भी देख सकते दर्शन सुदूर दूरदर्शन, इस बहुत कठिन है ये दर्शन प्राप्त करना।
उन्होंने पहले विश्व रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि ये रूप भी सब लोग नहीं देख सकते, परंतु उसके बाद जब विभुज रूप दिखाया उन्होंने बोला सुदूर दर्शन इदम रूपम, ये जो रूप है बहुत कठिन है उसका दर्शन प्राप्त करना, और देवा अप्यस्य रूपस्या, ये जो रूप है कृष्ण का श्याम सुंदर, देवी देवता हमेशा इच्छुक है ये रूप देखने के लिए, नित्यम दर्शन कंक्षिता, इसका आगे की देवी देवता खुद हमेशा इच्छुक है ये रूप देखने के लिए, परंतु हमेशा नहीं देख पाते, तो ये कृष्ण का रूप। तो उन्होंने कहा कि ये रूप कैसे देख सकते हैं, ना हम वेदाय न तपसा ना दाने न चक्षे जया शक्य एवं विधो दर्शतुं दृष्टमस्यमं यथा। कृष्ण ने कहा जो अभी आप देख रहे हैं अपने दिव्य आंखों से, वास्तव में ये जो रूप है कृष्ण का द्विभुज रूप, वो भी दिव्य दृष्टि चाहिए वो देखने के लिए। तो बोलने भगवान की केवल वेदों का अध्ययन करने से ये द्विभुज रूप नहीं देख सकते, अगर आप बहुत बड़े तपस्या करेंगे व्रत करेंगे रूप नहीं देख पाएंगे, दान देने से बड़े बहुत ज्यादा दान देंगे फिर भी नहीं देख पाएंगे, अलग अलग प्रकार की पूजा करने से भी नहीं देख पाएंगे। भगवान ने कहा कि ये सारे चीजों के माध्यम से ये रूप नहीं देख सकते, तो कैसे देख सकते, भगवान को अप्रत्यक्ष रूप देखना कैसे संभव है। आगे श्लोक में भगवान ने कहा भक्त्यात्मनन्याशक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दर्शतुं च तत्वेन प्रवेशतुं च परंतप भक्त्यात्मनन्याशक्या अनन्य भक्ति के माध्यम से, अनन्य मतलब क्या, अन्य मतलब और कुछ, अनन्य मतलब और कुछ नहीं, एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, उसके उसके उससे अन्य कुछ अनन्य मतलब और कुछ नहीं। तो वो शुद्ध भक्ति करने से तब ये रूप देख सकते भगवान की कृपा से डायरेक्टली प्रत्यक्ष सक्षत साक्षात्कार भगवान का मिल सकते अनन्य भक्ति के माध्यम से। तो वास्तव में पूरा भागवत गीता पूरा भागवत गीता का सार है शुद्ध भक्ति, अनन्य चिंतोयान तो माम भगवान ने कहा ये श्लोक में, अनन्य भक्ति माम चव्यो अव्याभिचारिणा भक्ति योग न सेवते, अव्याभिचारिणी भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गुणों तीन गुणों को पार कर सकते हैं। तो ये बार बार भगवान ने कहा और अंतिम गीता में भी उन्होंने कहा कि सर्वधर्मन परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सारे चीज त्याग करना, सारे तथाकथित पूजा सारा तथाकथित धर्म त्याग करना और एकमात्र माम एकम एकमात्र केवल कृष्ण के आश्रय में जाना, अपने जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित करना, ये भगवद गीता का सार है और ये सबसे गुह्यम ज्ञान, सबसे गुह्यम ज्ञान है। तो गुह्यम है हम सुनते भी लेकिन समझना, समझना और उसको अभ्यास करना सबसे पहले अपने जीवन समर्पित करना वो कठिन है, कठिन नहीं है परंतु मोह माया के वजह से आसक्तियां के वजह से कठिन लग रहे। तो सबसे पहले कठिन है स्वीकार करना कि कृष्ण भगवान ये लग रहा है, जिसे भारत में हम देख सकते हैं सब लोग पुण्यशाली है, सब लोग कुछ ना कुछ पूजा करते हैं, जैसे यहां कृष्ण ने कहा कि पूजा तपस्या दान लोग ये सब करते हैं, लगभग सब लोग यहां पर कुछ ना कुछ पूजा करते, सुबह मंदिर में जाते कभी कभी कुछ दान देते कुछ यज्ञ करते हैं कुछ तपस्या करते, परंतु तो सब लोग नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। और अगर मानते भी कि भगवान है फिर भी सोचते हैं
कि भगवान निराकार है, कोई सोचते कि देवी देवता और भगवान ये सब एक ही है, जैसे अर्जुन, जैसे शिव जी है, दुर्गा है, गणेश है, बहुत सारे हैं, तो सब वो कृष्ण भी है और सब लोग ये सब एक ही है, तो ये सब विचार करते हैं तो। परंतु गीता का सिद्धांत इस प्रकार नहीं है, गीता का सिद्धांत यहां पर नहीं है। गीता में भगवान खुद अपने मुख से उन्होंने कहा कि नतः परतरम नान्य किंचित आस्ति धनंजय। धनंजय अर्जुन का नाम है, धनंजय। अब समझ लो कि मेरे ऊपर से कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। नतः परतरम नान्य, ऊपर मेरे ऊपर से कुछ भी नहीं है, किंचित आस्ति, कोई अस्तित्व नहीं है मेरे ऊपर। ये अर्जुन ने, कृष्ण ने स्पष्ट उन्होंने कहा। इसलिए अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब संपूर्ण ज्ञान कि भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है। अगर हम अपने मन से विचार करते भगवान के बारे में कि भगवान भगवान ऐसे है वैसे है, तो तब हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, तब हम वास्तविक भक्ति नहीं करते। हम कुछ करते हैं भक्ति के नाम पर, परंतु वास्तव में हम भक्ति नहीं करते। और हो सकते कि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग की तरफ जाएंगे अगर व्यक्ति गंभीर है। कभी कभी व्यक्ति अज्ञान में गलत तरीका से भक्ति करते हैं, परंतु जब मौका मिल रहा है सीखने के लिए तो तुरंत तैयार है सुधारने के लिए, तो वो भाग्यशाली व्यक्ति जिनका इच्छा है वास्तव में भक्ति करना, जैसे भगवान ने कहा। क्योंकि भक्ति कैसे करना भगवान को पता है, धर्म वानन है कि भगवान तु साक्षात भगवान, धर्मान तु साक्षात भगवान प्रणीतम, कि धर्म जो है केवल साक्षात भगवान स्थापित कर सकते। धर्म हम लोग धर्म नहीं बना सकते मनुष्य। अगर हम धर्म के बारे में बात करते अपने हिसाब से, वो धर्म नहीं हो सकते, केवल भगवान ही स्थापित कर सकते। तो भगवान ने स्थापित किया भक्त्या त्वनन्यया शक्य, केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से मेरा रूप देख सकते। तो यहां पर दोबारा ये समझना है कि भगवान कृष्ण का जो नित्य रूप है वो ही कृष्ण का रूप है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबसे सुंदर रूप है। जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो उनको थोड़ा डर लगा। डर क्यों लगा? क्योंकि अर्जुन कृष्ण ने अलग अलग बड़ा विभु महान रूप दिखाया उनके आंखों के सामने, और वो भयानक रूप था, उससे बहुत तेज आया, बहुत रोशनी आया, अर्जुन नहीं देख पाया सामने, इतना रोशनी आया। तो अलग अलग भयानक रूप था जिसके माध्यम से कर्ण रूप भी था जो सारे योद्धाओं को मार दिया, मतलब वो उन्होंने देखा उसी रूप में, तो भयानक था। परंतु वास्तविक भगवान का जो रूप है वो बहुत सुंदर है, इसलिए उनका नाम है कृष्णा। क्योंकि ऐश्वर्य से समाग्र से वीर से यश सक्षीय ज्ञान वैराग्योभागति गण, कि भगवान का ऐश्वर्य जो है सबसे बड़ा दानी है, सबसे शक्तिशाली, सबसे यशवान है और सबसे सुंदर, उनका रूप सबसे सुंदर है, सबसे बड़ा ज्ञानी भी है और सबसे बड़ा वैराग्य भी है। तो ये सब मिला के ये सबसे बड़ा आकर्षण है सारे जीवों के लिए। वे उनका सुंदरता जो है सभी को आकर्षित कर सकते हैं। हम मोह माया के वजह से आसक्ति नहीं है हमारा भगवान के बारे में, परंतु व्यक्ति जो काफी पुण्य प्राप्त किया और भक्ति पुण्य भक्ति उन्मुख की स्वीकृति, तो ऐसा व्यक्ति भगवान से आकर्षित है। जब ऐसे व्यक्ति सुनते कृष्ण के बारे में, कृष्ण के लीला गुण और रूप के बारे में, तो तुरंत उनको अच्छा लग रहा है। व्यक्ति जो ताम गुण में है, राजगुण, तो उनको इतना सामान्यतः इतना आसक्ति नहीं है कृष्ण के लिए। इसीलिए लोग जो तामगुण राजगुण में है वो सामान्य अन्य देवों की पूजा करते, क्योंकि अन्य देवा का
भौतिक इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। कृष्णा भी कर सकते हैं, और वास्तव में भगवान कृष्णा सारे इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं देवांतों के माध्यम से। सीधा देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, जितना शक्तिशाली भी है दुर्गा शिव जी सब महान देवता है, ब्रह्मा सूर्य, परंतु ये सब निर्भर है, सारे देवी देवता भगवान पर निर्भर है, उनके पास एक भी बूंद नहीं है शक्ति का, सारा शक्ति कृष्ण से ही आ रहा। कृष्ण सबको शक्ति दे रहे कुछ भी करने के लिए। इसके बारे में वानर है ब्राह्मण संहिता में सूर्य के बारे में, यह चक्षुरे सविता सकला ग्रहणम राजा समस्त सुरमूर्छिम अशेष तेज संप्रति काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। चक्षु एष सविता, ये जो सूर्य है ये चक्षु मतलब भगवान का आप जैसे है आप चक्षु। राजा समस्त सुर मूर्ति, एक दृष्टिकोण से सूर्य सारे जो ग्रह है उसका राजा है, क्योंकि उनके पास अशेष तेज, उनका जो तेज है असीमित है, लग रहे इतना शक्ति है सूर्य, कितना सालों से कितना समय से सूर्य का अस्तित्व है और उसका शक्ति आ रहे। जैसे आप लोग सुबह आग जलाते, एक बार आग जलाया तो बहुत तेज आ रहे उससे, बहुत गर्मी आ रहे प्रकाश आ रहे, पर तो कितना देर तक आएगा, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा, आपको और लकड़ी डालना होगा, आपको और कुछ डालना हो तब तब होगा। और तो सूर्य के अंदर में कितना समय से ये गर्मी, कितना तेज गर्मी है और इतना मतलब धूप जब आता है गर्मियों में कितना है, और केवल इस पृथ्वी पर नहीं आता है, पूरा ब्रह्मांड के अंदर में, और कितना समय से ये जो फ्यूल है उसका क्या बोलते हैं फ्यूल, लकड़ी कहां से आ रही। वानर है ये गोविंदम जो आदि पुरुष है उनसे आ रहे, उनका जो शरीर का तेज है इसको बोलते ब्रह्म ज्योति, उसी का एक बूंद आता है सूर्य के पास, और सूर्य के लग रहा की असीमित शक्ति है उसमें। और तो सूर्य भी एक बार एक दिन बंद हो जाएगा, सृष्टि के शुरुआत में जब ब्रह्मा जन्म लिया तब सूर्य नहीं था, पहले ब्रह्मा ने जन्म लिया, उसके बाद सारे देवी देवता ऋषि मुनि बाद में देवी देवता, तो उसके बाद जब प्रलय होगा तब दोबारा ये सूर्य चंद्र सब कुछ समाप्त हो जाएगा, स्वयं ब्रह्मा शरीर त्याग करेंगे और तब महाविष्णु श्वास खींचेंगे, तब ये पूरा प्रलय हो जाएगा। तो ये भगवान विष्णु है, कृष्ण ने कहा कि तमे एकांशेन स्थितो जगत, ये पूरा जगत जो है मेरा एक अंश से सब कुछ चल रहा है, तो ये महाविष्णु भगवान का एक अंश है केवल, महाविष्णु है महान है, महादेव कितना महान है महादेव शिव जी, परंतु तो सारे 33 करोड़ देवों तो के सबसे बड़ा है शिव जी, परंतु तो उसके ऊपर है महाविष्णु। महाविष्णु से वास्तव में अवतार लिया, ये प्रकट हो गया शिव जी, इसके बारे में वानर है, या क्षीरा यथा दधि विकार विशेष योग संजायते नहि ततः पृथगास्ति हेतु यशंभुतम अपि ततः समुपायति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। यशंभुतम शंभु, शंभु जो शिव जी है उनका अस्तित्व कैसे आ गया, तो सिद्धांत के अनुसार इसी श्लोक में वर्णन है कि उदाहरण दिया गया कि जैसे दूध से दही बनता है, दूध में अगर कथाई मिलाया तो दही बन जाएगा, तो दूध और दही एक ही वस्तु है लगभग, दूध से ही दही बन गया, इसीलिए एक ही चीज है, परंतु उसका गुण अलग हो गया, अभी दही का गुण अलग है, तो इसीलिए दही से दूध नहीं बन सकते। तो इस प्रकार महाविष्णु भगवान
वो कभी भी मोह माया के संपर्क में नहीं आता है और कभी भी उससे प्रभावित नहीं हो सकते। तीन गुणों से, काम गुण, राजगुण, सत्व गुण, महाविष्णु कभी भी नहीं। परंतु जो शंभू है वो महाविष्णु का दृष्टि है, दृष्टि का अलग दूसरा अर्थ है संस्कृत में शंभू, तो वो ही दृष्टिपात है जो दुर्गा को स्पर्श करेंगे, जिसके माध्यम से सारे जो बद जीव है, जो हामी है, वो इस संसार में आते हैं। और दुर्गा बाद में यंत्र रुधानी माया अलग अलग योनि में जन्म लेंगे। तो इसीलिए शिव जी ये जो कटाई है मोह माया उसी संपर्क में आ गए शिव जी, इसीलिए विष्णु नहीं है लेकिन सामान्य जीव भी नहीं है। तो ये वर्णन है, जैसे दूध पीने से अगर ज्यादा दूध पीते हैं लोग तो पेट खराब हो जाते, तो पेट ठीक करने के लिए उस समय क्या करना है, दही करना है, एक ही चीज है पर तो उनका उसका गुण अलग हो गया। इसीलिए उसी परिस्थिति में जब पेट खराब हो गया दही अच्छा काम करेगी, ठीक हो जाएगा। ये उदाहरण है। तो विष्णु हमेशा विष्णु, शिव जी वैष्णवानम यथा शंभु, इसका आदि भागवत में कि सबसे बड़े वैष्णव है शिव जी, तो सारे देवी देवता भगवान की गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये समझना चाहिए, इसके बारे में हम देख रहे हैं भागवत में। अभी अभी हम बात किया कृष्ण के रूप के बारे में और देवता देवी देवता अंतर क्या है देवों के बीच, देवता और भगवान सचित आनंद विग्रह वर्णन है कि भगवान का रूप सत चित और आनंद का रूप है, मतलब नित्य है, संपूर्ण ज्ञान और आनंद, ये तीन वास्तु से बना हुआ उनका दिव्य रूप, भौतिक नहीं है। तो वो रूप जो है हमेशा उसका अस्तित्व है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, जो भी सन अव्याय कभी भी जन्म नहीं लेते, कभी भी वृद्ध नहीं हो जाते, मृत्यु की बात छोड़ उसके बाद जो देवी देवता है उसका अस्तित्व नित्य नहीं है, जब तक सृष्टि है तब तक देवी देवता, वो भी सब नहीं, जो ब्रह्मा है जब तक सृष्टि है तब तक ब्रह्मा का आयु मतलब इतना लंबा है आयु, जब सृष्टि समाप्त प्रलय के समय ब्रह्मा भी शरीर त्याग करेंगे। इसके बारे में भगवान ने कहा कि तमें अब्रह्मा भुवनालोक का पुनर्वर्ति नोचना, जो ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक पुनर्जन्म चल रहा है, मामु पेत्य तो कामते हैं पुनर्जन्म ना विद्यते, जहां भी हम जन्म लेना चाहते हैं, जहां भी हम जाना चाहते हैं इस संसार में, ब्रह्म लोक में भी मृत्यु आएगी एक दिन, परंतु अगर हम भगवान के पास कृष्ण के पास पहुंच गया पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं देंगे। तो इसीलिए जिज्ञासा होना चाहिए कि कैसे हमें वहां जाना है, कैसे वहां जाना जहां से लौटना नहीं है, ना तद भाषते सूर्यो ना शशंको ना पावक, कृष्ण ने कहा ना निवारते तत्धाम परमम मम, ये इस प्रकार का है मेरा परम धाम, जहां पर सूर्य का आवश्यकता नहीं है, जहां पर चंद्र का आवश्यकता नहीं है, आग जलाना आवश्यकता नहीं है, आग जलाना आवश्यकता है यहाँ पर भोजन बनाना गर्मी के लिए, ये भी एक प्रकार का आग है, लाइट के लिए वो भी आग है, बिजली है। तो इस प्रकार का है मेरा जो परम धाम है, स्वयं प्रकाशित है भगवान ने कहा, यद गत्वा ना निवारते, एक बार वहां पहुंच गया वापस लौटने का नहीं, जब तक हम संसार के अंदर है, चंद्र लोक इंद्र लोक पातल लोक जहां भी जाओगे पुनर्जन्म वापस लौटना है, बार बार वापस लौटना है, अलग अलग योनि में ही अलग बात। लोग सोचते अगर व्यक्ति मर गया अभी तो वापस नहीं आएगी, वापस आएगा लेकिन देखे हम नहीं पहचान नहीं कर पाएंगे, अलग अलग रूप में,
कई बार ऐसा है कि व्यक्ति तो कहीं गया नहीं, शरीर त्याग किया, परंतु पाप के वजह से दूसरा शरीर नहीं मिला, भूत प्रेत तो इधर उधर घूम रहे हैं और अपने गांव के अंदर में ही रहता है, कहीं नहीं जाते, जा नहीं सकते, उनके पास पुण्य नहीं है, तो बहुत परेशान है ऐसे लोग, दूसरे व्यक्ति को परेशान देते, बहुत भयानक परिस्थिति। तो हो सकते व्यक्ति इसी घर पे जन्म लिया, चूहा के रूप में, बीवी के रूप में, चीती के रूप में, हो सकते गांव में कुत्ते के रूप में, गाय, कुछ भी हो सकते, और हो सकते कि दोबारा मनुष्य प्राप्त किया अगर भाग्यशाली है तो, हो सकते कि इंद्रलोक में चले गए और वहां विशाल भोग इंद्र भोग कर रहे, परंतु जब पुण्य क्षीण हो जाएगी तो वापस आना है, क्षीण पुण्य मार्त्य लोक अभिशंति, भागवत गीता में वर्णन है। तो ये सब क्षणिक है इस संसार में, तो आयु लंबा हो सकते है अगर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आयु और छोटा होगा, परंतु बार बार चाकर रहेगा जन्म मृत्यु और उसके साथ जरा और व्याधि, जन्म के बाद बीमारी और जो वृद्धावस्था है बुढ़ापा वो निश्चित है, उसके बाद मृत्यु, और हो सकते हैं कि बुढ़ापा से पहले मृत्यु भी हो सकती, ऐसे भी हो रहे हैं, युवावस्था में जन्म के बाद व्यक्ति मर जाते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो बुढ़ापा बहुत भयानक चीज है, अच्छा नहीं है, परंतु तो सबके लिए निश्चित है, मतलब अगर आप पहले से पहले नहीं मर गए तो बुढ़ापा भी आएगी। तो परंतु ये भगवान ऐसे ज्ञान दे रहे हैं शास्त्रों में, अब ये ज्ञान जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे परिस्थिति व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जहां पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं आएगी। तो ये हमारे सबसे बड़ा मौका और अवसर है अभी इस मनुष्य रूप में कि हम ये प्राप्त कर सकते। तो भगवान के, अगर हम भगवान के बारे में जानते हैं कि उनका रूप भी ऐसा है तो तब हम भी ऐसे रूप प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बस निस्संदेह हम भगवान नहीं बन सकते, परंतु हम उनके धाम में जाने के लिए भी दिव्य शरीर प्राप्त करना है जो भी अविनाशी है। तो हम देख रहे भगवान का जो रूप है सबसे सुंदर है, तो भगवान कृष्णा, विशेष कृष्णा है, भगवान राम बहुत सुंदर है निस्संदेह, रामायण में वर्णन है उनके रूप के बारे में, वो भी उनका दिव्य रूप है। इस संसार में आए परंतु तीन गुणों से प्रभावित नहीं थे, केवल मर्यादा को सिखाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीका, वनवास में भी गए, भगवान को वनवास जाना जरूरत नहीं है, केवल उन्होंने सिखाया कि कैसे अपने जो पिता है पिता का आज्ञा कैसे पालन करना चाहिए, बिना पूछना बिना बोलना आज्ञा पालन किया, वनवास चले गए, लग रहा है कि बहुत कष्ट उठाया, और उन्हें सिखाया कि कैसे पत्नी को रक्षा देना है, और उन्हें सिखाया कि स्त्री और पुरुष में अगर आसक्ति है तो बहुत बहुत समस्या आएगा, कष्ट मिलेगा व्यक्ति को, तो भगवान ये उनके लिए कोई कष्ट नहीं है, लेकिन वो सिखा रहे, हम जो सामान्य बद्ध जीव है भगवान सिखा रहे कि ऐसे होगा अगर आपका आसक्ति होगा, और क्या क्या करना चाहिए, मर्यादा पालन करने कैसे पालन करना कि आप सारे आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। तो निस्संदेह राम भगवान जो एक ही व्यक्ति है कृष्ण जैसे, परंतु कृष्णा जो लीला पुरुषोत्तम है वो अपनी लीला को विस्तार में दिखा रहे कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, राम ने बहुत सारे नियम पालन किया सिखाने के लिए, यदि अचरती श्रेष्ठास्ता एवितरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तान अनुवर्तते, जो समाज में महान श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहे हैं तो वो सामान्य लोग भी पालन करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। परंतु कृष्णा जब कृष्ण के रूप में आए तब
उनने मर्यादा का भी पालन किया और उन्होंने उससे आगे बहुत कुछ किया जो जो एक सामान्य बद जो अगर करेंगे तो पाप लगेगा, जैसे रसलीला है और ऐसे, तो हम नहीं कर सकते, भगवान का को नकल नहीं कर सकते, परंतु हम उनका गुणगान कर सकते। तो इसलिए ये समझना चाहिए, तो भगवान का उन्होंने सुंदर सबसे सुंदर रूप दिखाया कृष्ण के रूप में। तो वो कृष्ण ने कहा अभी विश्वरूप दिखाने के बाद ये देवी देवता कभी देखना चाहते हैं। इसीलिए प्रमाण है भागवत में दसवां स्कंद, जब कृष्ण अभी तक जन्म नहीं लिया, वो देवकी के गर्भ में थे मथुरा में, तो तब देवी देवता सब लोग देव सभी लोग सभी शिव ब्रह्मा इंद्र सूर्य सब वो सब आए देवकी के पास और गर्भ स्तुति किया, कृष्ण की स्तुति किया जब कृष्ण गर्भ में थे अंदर, जन्म नहीं हुआ अभी तक। तो अगर देवी देवता और कृष्ण एक समान है तो तब सबको क्यों आना है उस समय? अभी वहां हम देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान है पहले भी और बाद में भी और हमेशा। तो अभी दूसरा प्रश्न आएगा कि ये कैसे जन्म लिया, गर्भ में कैसे फंस गया? नहीं, ये उनकी लीला है, ये उनका आने का तरीका है, अपनी मर्जी से उन्होंने देवकी के घर में प्रवेश हो गया। ये सब वर्णन है क्या क्या हुआ, पहले बालाराम बालदेव वो आगे संकर्षण, उन्होंने परिस्थिति को तैयार किया, क्योंकि वो केवल एक शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पे भगवान आएंगे। वो हमने कहा कि वानर है कि वो तीन गुणों से कभी प्रभावित नहीं हो सकते, तो उसी संकर्षण बलराम ने सब कुछ तैयार किया, सब कुछ शुद्ध किया, जहां बाद में कृष्ण आएंगे। तो इस प्रकार ये सब वानर है, जब कृष्ण जन्म लिया तो उस समय चतुर्भुज रूप दिखाया, उनके पास पीतंबर वस्त्र सारे अलंकार मुकुट शंख चक्र पद गदा पद्मा सब कुछ उनके हाथ में है। जब हम जन्म लेते हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, भगवान के दिव्य रूप में आता है, उनका जन्म नहीं हो रहा है वास्तव में। अजो इसलिए अजो भी सन अभ्यायत्मा कभी भी जन्म नहीं लेते, परंतु उसी लीला में उन्होंने इस प्रकार यहां पर आ गए। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य रूप में आता हूं, लग रहा है कि सामान्य व्यक्ति हूं परंतु नहीं, तो सामान्य व्यक्ति जन्म लेते तो उन्हें भी जन्म लिया ऐसा लग रहा है, तो वास्तव में नहीं। उसके बाद उन्होंने धारण किया एक बाल गोपाल का रूप शिशु, जिसको वासुदेव ने गोकुल में लेके गए। तो इस प्रकार बाद में वृंदावन लीला हुआ, तो वृंदावन लीला में बहुत कुछ हुआ, जैसे अभी दामोदर मास था कार्तिक, तो उसका विशेष लीला है कि कृष्णा यशोदा कृष्णा और यशोदा माई, कृष्णा ने माखन चोरी किया, यशोदा माई ने उस दिन ये माखन बनाया मंटन किया वो दही, जिससे बाद में माखन बन जाते, तो वो करते करते कृष्ण को भूख लगा, बालक है जैसे बच्चे है, तो रोते रोते उनको दूध पीना है, तो यशोदा माई ने रख दिया अपना काम और कृष्ण को अपने गोद में रखा, अपने स्थान से कृष्ण को दूध पिलाया और बहुत आनंद में थे, क्योंकि स्वयं भगवान अभी दूध पी रहे हैं, परंतु यशोदा माई नहीं जानते कि ये भगवान है, ये मेरा पुत्र है और सबसे सुंदर है, उनका वो प्रेम अवस्था में है, व्यक्ति और भक्त जो प्रेम अवस्था में है वो भूल जाते कि ये परम ईश्वर है। जैसे अर्जुन उन्हें भूल गया कि कृष्णा ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, नहीं ये मेरा मित्र है, और वो तैयार है कुछ भी करने के लिए कृष्णा के लिए, इतना प्रेम है कृष्णा के लिए, तो वो बहुत उच्च स्तर है वास्तव में, उसमें कोई बहुत ही काम वासना क्रोध लोभ नहीं। तो इस प्रकार यशोदा माई कृष्ण की सेवा कर रहे हैं माँ के रूप में,
तो कृष्ण बहुत संतुष्ट है। तो कृष्ण मौका दे रहे इसी रूप में सेवा करने के लिए। तो ऐसे दूध पीते पीते वहां एक दूसरा दूध था चूल्हा पर उबाल रहे, तो वो क्योंकि जब दूध उबाल रहे तो बाहर जाएगा है, उसको निकालना पड़ेगा। तो वास्तव में जैसे आप लोग चूल्हा में अगर बनाते कुछ अगर उबाल गए तो क्या करना पड़ेगा, या ये नहीं है वो नहीं है गैस वाला जो केवल ऐसे करेंगे बंद हो गया, वो बर्तन निकलना पड़ेगा नहीं तो लकड़ी निकालना आग निकालना ही नहीं तो वो। तो इसीलिए यशोदा माई ने कृष्ण को रख दिया नीचे और दूध निकाल दिया वहां से, नहीं तो बाहर जाएगा जल जाएगा। तो कृष्णा जब तक यशोदा माई व्यस्त थी उस सेवा में तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया क्यों ऐसा किया मेरे साथ। तो ये उन्होंने ये मटका जिसमें यशोदा माई ने मटन किया दही उन्होंने तोड़ दिया और माखन लिया पूरा लिया और भाग गए वहां से और चुप के उन्होंने ये माखन खाया। क्यों? क्योंकि उनको पता हुआ कि अगर ये यशोदा माई आएगी तो मुझे पिटाई होगा। तो अभी यशोदा माई देख रहे कि कौन ये तोड़ दिया और देख रहे कि छोटे छोटे पद चिन्ह है कृष्ण के, वो वहां जाकर गए समझ गए कृष्ण ने ये बहुत बड़ा नुकसान किया। तो इसीलिए उन्होंने एक दंड लिया कृष्ण को पिटाई करेंगे, उसको सिखाना पड़ेगा दंड देना है। तो उनके पीछे गए और देखा कि वहां है और कृष्ण जब यशोदा माई को देखा तो बहुत डर लगा और रोने लगा और भाग गया वहां से और यशोदा माई उनके पीछे भाग रहे। तो अभी कुछ समय के बाद कृष्ण को पकड़ लिया और बंद करने के लिए राशि से बंद करने के लिए प्रयास किया क्योंकि जब दम था हाथ में तो कृष्ण को बहुत डर लगा। तो यशोदा माई ने सोचा उनको बहुत ज्यादा डर लग रहे हैं तो इसलिए मारेंगे नहीं पिटाई नहीं करेंगे पर कुछ तो सिखाना पड़ेगा उसको, इसीलिए ये जो राशि है राशि से उसको बंद करेंगे थोड़ा सीख जाएंगे कि ये गलती उन्होंने किया। तो अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न आता है कि ये अगर ये भगवान है और ये एक यशोदा माई जो एक नारी है गृहिणी है गोपी है घर का काम कर रहे तो वो कैसे भगवान के साथ ऐसा कर सकते। वर्णन है कि बहुत बड़े योगी जो है तपस्या करते बहुत बहुत जन्मों से बहुत समय से फिर भी भगवान का जो बाल गोपाल रूप है वो नहीं देख सकते। वो कृष्ण खुद बोल रहे कि ये जो मेरा द्विभुज रूप है देवी देवता नहीं देख सकते। तो ये यशोदा माई कौन है, ये तो एक गोपी है, गोपी क्या करते जैसे आप लोग वही करते गाय गाय को गाय की सेवा करते हैं। नंद महाराज के घर में 9 लाख गाय है तो गाय की सेवा होगा दोहन करना उबालना है दूध माखन बनाना है ये काम है घर का काम है वही। तो ये बहुत बड़ा देवा देवे मतलब वो नहीं है तपस्वी नहीं है ज्ञानी नहीं है वो कोई ग्रामीण नहीं है घर का काम कर। तो अभी भगवान को कैसे ये कैसे हो सकता। तो ये सब वर्णन है कि ये यशोदा माई कृष्ण का नित्य पार्षद है और भक्ति बादम भक्ति के माध्यम से कृष्ण को बंद किया और पकड़ लिया भी प्रेम के वजह से। इसलिए कृष्ण ने कहा ये अनन्य भक्ति है जिसके बारे में कृष्ण ने कहा उनके अंदर में अनन्य भक्ति है कृष्ण के लिए एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना। जब वो कृष्ण को रख दिया और वो दूसरा दूध जो चूल्हा में उबाल गया उसको निकालने के लिए गया तो वो विचार किया था कि ये दूध जो वहां पर उबल रहे उससे कुछ मिठाई बनाना हाँ कृष्ण के लिए आगे अगर जल जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा इसीलिए उन्हीं की सेवा करने के लिए उस कृष्ण को निकाल दिया और ये दूध ठीक करने के लिए वो उसमें लग गए। तो ऐसा नहीं है कि यशोदा माई कृष्ण को छोड़ दिया उन्हीं उद्देश्य है कृष्ण की संतुष्टि। और जब कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे पिटाई करने के लिए वो द्वेष नहीं है अंदर में
परंतु जैसे आप लोग अपने बच्चों को कभी कभी पिटाई करते हैं, वो द्वेष से नहीं है, वो है प्रेम से सुधारने के लिए, क्योंकि बच्चे के पास इतना ज्ञान नहीं है तो वो गलती करते हैं। गलती करने से दूसरे मतलब सीख, बार बार गलती करने से अगर उसको नहीं सिखाएंगे तो हमेशा ही गलती करेंगे, दूसरे लोगों को परेशान करेंगे, उसके बाद से खुद परेशान होंगे। इसलिए युवा वास्ते आप बचपन से बच्चों को सिखाना है सही क्या है गलत क्या है। तो इसीलिए कभी कभी पिता माता अपने बच्चों को पिटाई भी करते हैं, डांटते भी, लेकिन वो द्वेष से नहीं है ना, अंतिम उद्देश्य है उनका कल्याण कल्याण हो। तो ये यशोदा माई का कि विचार था कि उनको अभी सिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनका भविष्य कैसे होगा, क्योंकि ये मेरा प्रिय खाना है, मेरा वो कृष्णा है, उनके लिए सब कुछ उत्तम होना चाहिए। तो इसीलिए और जब यशोदा माई ने कृष्ण को बंद करने के लिए प्रयास किया रस्सी से, तो एक रस्सी से नहीं हुआ, हमेशा वो दो उंगली चोट था, तो दूसरा राशि, तीसरा, 9 लाख गाय है घर पे, तो हर एक गाय के लिए राशि है, तो सारे राशियों को जोड़ दिया फिर भी चोटा है, तो कैसे हो सकता। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने दिखाया प्रमाण कि लग रहा है कि चोटा बालक है, परंतु भगवान है, ऐसे बालक को एक राशि से बंद कर सकते, परंतु 9 लाख गाय तो कितना लंबा हो गया, गाय का जो राशि है कितना लंबा है, एक आपको पता होगा इतना, अगर 9 लाख इतनी बार जोड़ेंगे तो कितना लंबा होगा और कितना समय रहेगा जोड़ने में, आप सोचिए। तो कितना मेहनत किया यशोदा माई, फिर भी चोटा है, क्यों कैसे हो सकते। कृष्ण ने दिखाया कि मैं ही भगवान हूं यहां, इसलिए सत्यव्रत मुनि ने प्रार्थना किया, नमामि ईश्वरम सचिन आनंद रूपम, पहले उन्हें स्थापित किया कि ये जो ईश्वर है, ये जो बालक है वो ईश्वर है, उनका सचिन आनंद रूप है, इसको आप बंद नहीं कर सकते राशि से। परंतु बाद में ऐसा हुआ कि शोधमाई ने प्रयास किया और प्रेम के वजह से कृष्ण ने अनुमति दिया और बंद हो गया। तो प्रयास हुआ यशोदा माई की तरफ से और कृष्ण की तरफ से अनुमति हुआ, केवल प्रयास काफी नहीं है, भगवान की कृपा भी होना चाहिए। भगवान की कृपा भी अगर प्रयास नहीं है वो भी नहीं हो पाएगा, इसे दो उंगली चोटा था, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों चाहिए। भगवान की कृपा उपलब्ध है अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, परंतु हमारी तरफ से प्रयास भी होना चाहिए, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भक्ति है, भक्ति माता भगवान की कृपा और हमारे तरफ से प्रयास, तब भक्ति में प्रगति होगा। तो ये इसका इस लीला में बहुत सारे शिक्षा है। तो देवी देवता भी कृष्ण को नहीं देख सकते हैं, तो इसका प्रमाण इसी लीला में आता है, क्योंकि जब बाद में यशोदा माई ने कृष्ण को उकल में बंद दिया तो कृष्ण ने चले गए और खींच लिया है उकल, वहां बड़े दो अर्जुन वृक्ष थे, बहुत बड़े बहुत शक्तिशाली, उसको काटना भी कठिन है, उसका जड़ बहुत गहरा है बहुत शक्तिशाली, और तो ये छोटा बालक बीच में निकल गया और ये उकल फंस गए और दोनों वृक्ष गिर गया तुरंत, बहुत भयानक आवाज, पूरा राज में लग रहा है कि भूकंप हो गया, प्रलय हो गया, ऐसे लग रहा है। ये दोनों वृक्ष गिर गया जो हजारों हजारों साल से थे वहां, अब ये छोटा बालक थोड़ा खींच लिया वो गिर गया सब, तो उसी वृक्ष से दो व्यक्ति निकल गया, दो लग रहे कि देवता प्रकाश हो गए उसी वृक्ष से। तो वो देवता ने प्रार्थना की अब कृष्ण की और अपना इतिहास बताया उसी प्रार्थना में, तो नालो कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र थे। तो यहां इसी लीला में प्रमाण होगा कि देवी देवता भगवान को नहीं देख सकते, और तो कैसे देख सकते। तो मणिग्रीव और नालो कुबेर दोनों पुत्र थे,
कुबेर के स्वर्ग लोक में थे, माना ने कि दोनों शिव जी के पाप थे। यंति देव प्रता देव, अगर हम देवी देवों तो की पूजा कर ले तो स्वर्ग में आ सकते। और स्वर्ग में जो भौतिक व्यवस्था है इंद्र भोग करने के लिए बहुत विशाल है, तो ये दोनों ने ऐसा ही किया। वहां वो क्या हुआ, वो अप्सराओं के साथ भोग कर रहे थे, कई तालाब में स्नान कर रहे थे, बिना कपड़े नाश में थे, वहां पर नाश फ्री है, मीन्स आप सोमरास पी सकते हैं और कोई पाप नहीं लगेगा, देवों को के लिए सब अनुमति है। तो वो ऐसे नाश में थे अप्सराओं के साथ, उस समय नारद मुनि वहां पहुंच गए। नारद मुनि वो ऐसे साधु हैं जो भी कहीं भी जा सकते प्रचार के लिए, इस संसार में भी जाएंगे, पृथ्वी पर आ सकते, स्वर्ग लोक में जा सकते, नरक में जा सकते, वैकुंठ में भी जाते, कहीं भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, वो वायु मार्ग से चल रहा है उनका उनका जो भ्रमण है। तो वो वहां भी पहुंच गए, और जब वहां पहुंच गए सारे जो अप्सरा है अपना शरीर कवर किया, क्योंकि साधु आ गए तुरंत, शर्म लग रहे मतलब उचित नहीं है, मर्यादा के अनुसार साधु के सामने ऐसे नहीं हो सकते। परंतु ये जो मानिकगृह नारद कुबेर है वो कुछ नहीं किया, कोई सम्मान अदा नहीं किया, शरीर को आवरण नहीं किया, ना समझते मजाक कर रहे। तो नारद मुनि जो आत्मा संतुष्ट है उनका, वो पूरी तरफ से आत्माराम संतुष्ट है, भगवान की सेवा में है, भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं, परंतु देखा कि ये दोनों व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं है, मर्यादा का पालन नहीं करते तो गलत है। तो ये दोनों को सुधारने के लिए उन्होंने श्राप दिया, श्राप दिया कि तुम लोग बिना कपड़े से यहां घूमते तो जैसे तुम वृक्ष बन जाओगे, क्योंकि वृक्ष भी कपड़े नहीं पहनते, तो वृक्ष बन जाए जाओगे। तो ये दोनों जब ये श्राप सुन लिया तो डर लग गया, समझ गए कि हमने बहुत बड़ा गलती किया, अपराध किया, तो प्रार्थना कर रहे थे कि आप माफ कीजिए, आप ऐसे श्राप मार दीजिए। ऐसे प्रार्थना करते करते नारद ने कहा जो मैंने श्राप दिया तो हो जाएगा, परंतु एक चीज है कि आप दोनों नंद महाराज के घर के पास रहेंगे, तो वहां जब कृष्ण आएंगे वो आपको उदार देंगे, बाबू का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो वास्तव में ऐसे हुआ, ये दोनों वृक्ष थे अर्जुन के वृक्ष, वही मानिकगृह वो नारक हुआ, हजारों हजारों साल वहां खड़े रहते थे, परंतु कृष्ण ने दोनों को उदार दिया। तो ये नारद मुनि जो है शुद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का जो आशीर्वाद है वो बहुत उत्तम आशीर्वाद है, और जब श्राप देते वो भी आशीर्वाद है, क्योंकि वो देवी देवता शिव जी की पूजा कर रहे थे तो कोई संभावना नहीं है भगवान को प्राप्त करना, परंतु नारद की कृपा से जो स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण के बाप थे उन्हीं की कृपा से उन्होंने श्राप दिया, फिर भी कृष्ण को प्राप्त किया, फिर भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया वृंदावन में। तो ये वैष्णव, ये कृष्ण की महिमा है, ये जो कृष्ण के बाप भी है वो ऐसे आशीर्वाद दे सकते हैं कि व्यक्ति सारे अगर गलती भी किया फिर भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया, ये परिणाम। इसलिए साधु संग सार्व शस्त्र है, लाभ मात्र साधु संग सार्व सिद्धि है, इसका अर्थ है कि सारे शास्त्रों में वर्णन है कि सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि लाभ मात्र साधु संग, अगर तोरा सभी साधु संग करेंगे, सत्संग करेंगे तो संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते। अगर वास्तविक सत्संग हो रहे हैं इसका परिणाम, इसका लाभ होगा कि हम सिद्धि प्राप्त कर सकते। तो मानिकगृह नारद कुबेर वो दोनों ने सत्संग किया परंतु गलत तरीके से, सत्संग में साधु को आधार देना, उनसे श्रवण करना, ज्ञान देना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे गलत व्यवहार करने से उन्हें श्राप दिया। बाद में ठीक है, बाद में प्रार्थना हुआ, परंतु
क्योंकि नारद मुनि का संग प्राप्त किया, इसीलिए बाद में कृष्ण का संग प्राप्त किया, स्वयं प्रत्यक्ष भगवान को प्राप्त किया। तो ये अनन्य भक्ति जो है वो संभव है, एक बंध जीव के लिए शुद्ध भक्ति करना संभव है केवल साधु मतलब जो शुद्ध दूसरा जो शुद्ध वैष्णव है उन्हीं की कृपा से। इसीलिए शुद्ध वैष्णव की संग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो हमें ऐसे जैसे प्राप्त करना है। उसके लिए हमें लोभ होना चाहिए, उसके लिए हमें लालच होना चाहिए कि हम शुद्ध वैष्णव की संग प्राप्त करेंगे, तब हमारा सिद्धि संभव है और जल्दी हो सकते है। गीता हम पढ़ते हैं, हम भागवत के बारे में सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं, वहां भी देखते हैं, परंतु अगर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का संग नहीं मिलेंगे जो ये सब पालन भी करते पूरा, और जब वास्तव में पूरा जो दिल में जो सारे अनाथ है उससे मुक्त हो गए, ऐसे व्यक्ति का संग तो तब हमारा अनन्य भक्ति भी हो सकते हैं, तब हम कृष्ण का दर्शन भी प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार कृष्ण ने ये सारे लीला किया वृंदावन में, उन्होंने दिखाया कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। अगर कृष्ण सामान्य व्यक्ति है तो तब ये सारे बालक रूप में इतना बड़े वृक्ष खींचना और गिराना वो संभव नहीं है, इतना लंबा राशि से उनको उसको बांध नहीं हो पाया यशोदा मैं नहीं। तो इसमें उन्होंने दिखाया कि मैं तो सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। तो गीता में भगवान सिद्धांत खुद बता रहे इस चीजों के बारे में, परंतु भागवत में वो सिद्धांत भगवान खुद उदाहरण से सिखाते, इसलिए समझना चाहिए कि जब हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, ये कृष्ण के जो अलग अलग अवतार हैं उनके बारे में, उसमें हमेशा शिक्षा है हमारे लिए, उसका जो पीछे सिद्धांत है उसको समझना चाहिए, तब इस लीला का वास्तविक लाभ होगा। लीला बहुत सुंदर है, कृष्ण ने माखन चोरी किया, वो किया सुदामाई को दान देने के लिए, वो सब ठीक है, परंतु अगर हम सिद्धांत नहीं जानते कि ये कृष्ण जो भगवान है, तब हम सोचेंगे कि ये एक कार्टून जैसा है, जैसे आजकल कृष्ण का कार्टून बनाते, क्या बोलते हैं इसको, कार्टून। तो कृष्ण का कार्टून और टॉम एंड जेरी कार्टून और पता नहीं कौन, कुछ काल्पनिक है और कुछ शास्त्र से है, लेकिन लोग बाद में सोचेंगे कि ये तो सब ऐसे ही मनोरंजन के लिए, नहीं, उसमें सबसे बड़ा शिक्षा है कृष्ण की लीला है, राम की लीला है। तो इस शिक्षा अगर हम प्राप्त किया सही तरीके से, हमारा सिद्धि होगा, सिद्धि मतलब पुनर्जन्म को पार करेंगे, इसके बारे में हम बात किए, इसका आगे सारे समाप्त, सारे समस्याओं को समाप्त हमेशा के लिए। तो ये कृष्ण की विशेष कृपा है, इसीलिए भगवान खुद आते हैं इस संसार में और अपनी लीला कर रहे हैं यहां पर हमारे लिए, कि हम सुनेंगे उसके बारे में, हम सीखेंगे इससे, कि हम ये लीला के बारे में जब हम श्रवण कर रहे इच्छा प्रकट हो जाएगी कि हम भी भगवान की सेवा करेंगे, इच्छा होना चाहिए इसके लिए। तो इसलिए ये श्रवण हम कर रहे हैं कि कृष्ण कैसे उन्होंने ये अलग अलग वृंदावन में और अलग अलग लीला वो कर रहे भक्तों के साथ, बहुत सुंदर लीला है वृंदावन में और बहुत दुर्लभ है। दोबारा हम बात करने की, देवी देवता कृष्ण का लीला नहीं देख सकते इतना आसानी से। तो वृंदावन इसी पृथ्वी पर वृंदावन में भगवान ने ये लीला किया, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं इसके बारे में कि अगर हम उसके बारे में सुन सकते हैं। परंतु दोबारा जिज्ञासा होना चाहिए कैसे हम भगवान की सेवा प्राप्त करेंगे। और ये जो सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में वही उन्होंने प्रार्थना किया कि जैसे आपने भक्ति दिया कुबेरात्मज भादा मूर्ते वयाचिता भक्ति क्या है भक्ति भजो कृता हो, जैसे आप मणिग्रीव और नारद कुबेर कुबेर के दो पुत्र जो है उनको आपने मोक्ष दिया और भक्ति प्रदान की,
इस प्रकार मुझे भी भक्ति दीजिए। भक्ति मतलब सेवा का मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, कोई दूसरा आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। जब लोग देवी देवता पूजा करते तो प्रार्थना करते, दानम दे रूपम दे, क्या दे क्या दे, लाभ चाहिए, भौतिक लाभ। और ये मोह माया की लाभ है जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा मोह माया में फंस जाएंगे। परंतु जो शुद्ध वैष्णव है तो वो प्रार्थना कर रहे कि मुझे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया का लाभ है, कोई लाभ ही नहीं है। मुझे चाहिए आपकी भक्ति, मुझे चाहिए कि मैं हमेशा आपको स्मरण कर पाऊंगा, कि मैं अपने मन में बाल गोपाल का रूप देख पाऊंगा, याद कर पाऊंगा। जो भगवान का आज्ञा है गीता में, मन मना बाबा मत भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु, ये सदैव मेरा स्मरण करो और सदैव मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा और मुझे नमस्कार करो। तो भगवान को याद करना बहुत आसान है एक दृष्टिकोण से। ये कृष्ण ने आगे दिया मेरा स्मरण करो, ठीक है स्मरण करो, परंतु आप हम विचार कर सकते कि हम भगवान को कितना याद कर पा रहे, कितना हम भगवान को याद कर रहे हैं पूरा दिन 24 घंटे में, बहुत कम। नए लोग बोलते बोल रहे कि हम पूजा करने का इच्छा है परंतु मन वहां चलेगा, इधर उधर घूम रहे। तो ये सबका अनुभूति है, पूजा मतलब भगवान के पास मंदिर में बैठते हैं, भगवान बाजू में ऑपोजिट, फिर भी मन भगवान को नहीं देख सकते, इधर उधर भाग गया। देखिए हम कितना दुर्भाग्यशाली, तो मन इतना चंचल है, तो इसलिए भगवान को याद करना कठिन है। तो हमारा प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी तरफ से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं आपको याद कर पाऊंगा 24 घंटा, जो भी मैं काम करूंगा कि उसके साथ मैं आपको याद कर पाऊंगा, आपको स्मरण कर पाऊंगा। परंतु प्रहलाद महाराज ने तरीका दिया जिसे चर्चा हुआ कि नवविध भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवविध भक्ति है जिसमें श्रवण सबसे पहले है। श्रवण करने से रुचि आएगा कीर्तन करने के लिए, और जो हम श्रवण कर रहे अगर हम दूसरे लोगों को बताते वो कीर्तन है, और इसका परिणाम अपने आप होगा स्मरण, भगवान को याद कर पाएंगे। अगर हम भगवान के बारे में, मान लीजिए आप तो बहुत कई बार कृष्ण के बारे में श्रवण किया, यशोदा माई और कृष्णा ये लीला सुन लिया, लेकिन दिन हर दिन काम करते करते भूल जाते। अभी हम थोड़ा थोड़ा बोल दिया तो याद आ गया, हाँ कृष्ण को याद है। तो श्रवण करने से कृष्ण को याद हम कर सकते हैं, तो इसलिए जरूरी है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा, निरंतर श्रवण कीर्तन करना चाहिए, तब स्मरण भी हो पाएगा भगवान का। परंतु आजकल तो श्रवण हो रहा है और कीर्तन क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, संसार में इस चीजों के बारे में, समाचार क्या है, घटना क्या है, जागरण क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ, इसके बारे में, तो इसके बारे में हम श्रवण करते, इसके बारे में हम बात करते, अपने आप इस चीजों के बारे में इसको हम याद करेंगे। और यम यम बाप स्मरण वा मृत्यु का समय जो भी हम याद करेंगे वो हमारा अगले जन्म होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है हम किसके बारे में श्रवण कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण के बारे में याद नहीं किया, कृष्ण को याद नहीं किया मृत्यु के समय, तो कृष्ण को प्राप्त कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा, तो पुनर्जन्म हो निश्चित है। पर तो कृष्ण को अगर याद किया तो कृष्ण के पास जाएंगे। अंतकाले चमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, भगवान ने कहा अगर मृत्यु का समय कृष्ण को याद किया तो हमारा मुक्ति निश्चित है, हम भक्ति निश्चित है, उनके पास पहुंच जाएंगे। कृष्ण ने कहा माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अगर मेरे पास पहुंच गया तो दोबारा जन्म नहीं देखेंगे। तो ये हमारा हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है अभी कि हम अभ्यास करेंगे कैसे भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन,
कैसे हम उनको याद करेंगे, और ये अभ्यास करते करते मृत्यु का समय अगर ये भगवान को याद हो पाएगा, सारा समाप्त समस्या समाप्त। देखिए कितना आप लोग, ये सब लोग पूरा संसार में लोग इतना मेहनत करते हैं कि दुख नहीं हो, कि कोई परेशान नहीं होगा हमारा जीवन में, नहीं इसके लिए प्रयास करते, फिर भी सब लोग दुखी हैं। और तो यहाँ वास्तविक समाधान भगवान दे रहे, वास्तविक सॉल्यूशन दे रहे कि आप मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, सारा समस्या समाप्त। तो इसमें प्रयास, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, समय शक्ति कुछ प्रयास करना है इस चीजों में, तो निश्चित भगवान मदद करेंगे। और जैसे हम देख रहे हैं भगवान तो अपने भक्तों को हमेशा रक्षा कर रहे, इसके बारे में वर्णन हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त, उन्होंने हमेशा भगवान को याद किया तो भगवान को रक्षा भी दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास आदेश दिया, वो अलग अलग जो असुर है उनके पार्षद, हिरण्यकशिपु के पार्षद राक्षस, परंतु वो सक्सेस नहीं था। एक छोटा बालक को खत्म करना एक राक्षस के लिए कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि राक्षस जो है उनके पास शक्ति है, उनके पास सिद्धि भी है। वो रावण जो है वो राक्षस थे, क्या क्या सिद्धि था उनके पास, उनके जो पार्षद है सबके पास सिद्धि था। तो ये राक्षस जो थे हिरण्यकशिपु के साथ कोई समस्या नहीं था, एक बालक को मारने के लिए अस्त्र से प्रयास किया, जहरीला सांप के पास फेंक दिया बच्चा को, काटेंगे एक एक कोबरा अगर काटेंगे एक बच्चा को, एक बड़ा व्यक्ति को भी, तो 10 मिनट में मर जाएंगे। तो वहां बहुत सारे कोबरा, बहुत भयानक सांप, कुछ नहीं हुआ, काटा भी नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है अंदर में सांप के अंदर मना किया। ये जो प्रहलाद थे उनको कुछ डर नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि वो हमेशा भगवान को याद किया, वो जानते थे संपूर्ण विश्वास कि कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे, और अगर कृष्ण चाहेंगे कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, उनका कोई आसक्ति नहीं था। चौथा बालक तो आग में जलाने के लिए नहीं हो पाया, उबाला हुआ तेल में फेंक दिया अंदर, तेल ठंडा हो गया तुरंत, तो ऊपर ऊपर पर्वत से उसको फेंक दिया, नीचे कुछ नहीं हुआ। तो बाद में हिरण्यकशिपु को थोड़ा डर लगा, ऐसा विचार किया कि ये मैंने इतना तपस्या किया ये सारे शक्तियों प्राप्ति करने के लिए, और ये व्यक्ति ने बालक कोई तपस्या नहीं किया, परंतु उनके पास ऐसे शक्ति है जो कोई उसको मार नहीं सकते, कहां से शक्ति आ रही तुम्हारा, हिरण्यकशिपु ने पूछा। तो वो प्रहलाद ने कहा जैसे आपका शक्ति, जहां से आपकी शक्ति तो मेरा भी वहां से ही, सारे जीवात्माओं का जो शक्ति है और कुछ भी योग्यता है एक ही स्रोत से आ रहे, और ये भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से आ रहे। तो तब उन्होंने बोला कि कैसे तुम्हारा भगवान कहाँ है, अगर भगवान है तो दिखाओ, मैं आपको मरूंगा तो मैं देखूंगा कि भगवान आएंगे आपको रक्षा देने के लिए कि नहीं। भगवान आ गया, नरसिंह भगवान यहाँ, आधा सिंह शेर, आधा लायन है और आधा मनुष्य। हिरण्यकशिपु के साथ खेलते खेलते युद्ध किया, भगवान के लिए खेल है। हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा असुर शक्तिशाली, बहुत प्रयास किया, भगवान उसको खेलते खेलते तोड़ दिया आसानी से। तो ये हम देख रहे इसी लीला में, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी और कोई भी रूप धारण करेंगे, गुस्सा भी करेंगे। देखिए भगवान को गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये उस दिन चाचा हुआ यहाँ नहीं और कहीं, भृगु महाराज, भृगु मुनि ने परीक्षा लिया शिव जी से, ब्रह्मा से, दोनों को गुस्सा आ गया। परंतु जब भृगु ने परीक्षा लिया विष्णु से, अभी ब्रह्मा से परीक्षा दिया तो केवल मन में अपमान किया, आदर नहीं दिया,
तो ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, लेकिन कुछ नहीं किया, सहाय नहीं किया। शिव जी को शब्द से अपमान किया, बोला कि तुम गन्ने हो, तुम मुझे स्पष्ट मत करो। तो शिव जी ने ब्रह्मा को काटने के लिए प्रयास किया, त्रिशूल से उसको मारने के लिए कोशिश किया, दुर्गा पार्वती ने रोक दिया। परंतु जब विष्णु से परीक्षा लिया तो उन्होंने क्या किया, उन्हें लात मार दिया विष्णु को। यहाँ पर कैसे हो सकते है भगवान को ऐसे मारना है अपने पांव से, अपने से, तो बहुत बड़ा अपराध। परंतु विष्णु क्या किया, उन्होंने प्रार्थना किया, माफ कीजिए आप तो बहुत बड़े ब्राह्मण है, हम आपको आधार नहीं दिया, क्षमा कीजिए आप, आपका जो पांव है बहुत कमल है और मेरा जो चेस्ट बहुत कमजोर है, तो आपको दर्द लगेगा तो मैं आपको दबाऊंगा ऐसे। तो भगवान विष्णु को कोई गुस्सा नहीं आया, परंतु वही एक ही विष्णु नरसिंह रूप में उनको इतना गुस्सा आ गया। क्यों, अपने भक्तों को रक्षा के लिए भगवान गुस्सा भी करेंगे कि जो आपने जीवन मुझे समर्पित किया, अगर कोई व्यक्ति उनको परेशान करेंगे नहीं हो सकते, भगवान गुस्सा करेंगे। तो ये शुद्ध भक्ति का परिणाम है कि व्यक्ति आप अगर आपने जीवन भगवान को समर्पित किया, भगवान उनको रक्षा देंगे ही देंगे और असुरों को सबको कदम करेंगे अपने भक्तों को रक्षा देने के लिए। इसे ये श्लोक जो बार बार महत्वपूर्ण श्लोक है, अनन्य चिंतयान तो माम ये जना परिपासते योगक्षेम तेषां नित्यं युक्तानां योगक्षेम वहम्यहम्। कृष्ण ने कहा जो मेरे अनन्य भक्ति कर रहे जरूर मैं उनको रक्षा करूंगा और सारे जो व्यवस्था है मैं ही खुद करूंगा, उनके लिए सब कर दूंगा, खुद भगवान रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान खुद वहां आ गया, प्रहलाद को रक्षा दिया। तो ये अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति से भगवान का दर्शन ये एक चीज है, भगवान खुद आ रहे भक्तों को रक्षा देने के लिए, असुरों को खत्म कर देते, ये भगवान के, ये अगर भगवान की अनन्य भक्ति हम कर रहे हैं तो इस प्रकार लीला में प्रवेश हो सकते। तो अनन्य भक्ति का शुरू हमारे लिए, हम तो सब बद जीव है, पाप में ज्यादा रुचि है, भगवान में भी थोड़ा है, ऐसा है। तो हमारा उपाय क्या है, कलयुग, कलयुग है खतरनाक, भयानक है, अभी शुरुआत है, आने वाला घोर कलयुग आ रहे, तो हम कैसे भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एको ह्यस्ति महान गुणा कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम व्रजेत। कलयुग के लिए एकमात्र उपाय एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य, अवश्य ही कृष्ण कीर्तन के माध्यम से हम संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते और परम धाम भगवान के पास जा सकते। ये भागवत में सिद्धांत दिया गया, तो इसे इसको अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है, कठिन नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कुछ कठिन है नहीं। तो जो बात हुआ कि भगवान को बारंबार याद करना, तो ये एक तरीका है। क्या तरीका है, कि अगर हम किसी का नाम जानते, जैसे आपका नाम क्या है, मेरा नाम संतोष गुप्ता, संतोष गुप्ता, देखिए उनका नाम है संतोष गुप्ता, अभी हम जानते और अब मैं आपको प्रत्यक्ष भी देखा अभी कि आपका रूप ऐसा है, संतोष गुप्ता है, तो आप इच्छा में चले जाएंगे अपने घर और हम अपने दूसरे जगह में जाएंगे, तो हम बोल बात करेंगे कि उसी जगह में कौन सा गांव, ये कौन सा गांव, नाथापाटी गांव में, सही बोला, सही नाथापाटी, उसी गांव पे हम एक व्यक्ति को मिला जिसका नाम है संतोष गुप्ता, और हम उनको नहीं देखेंगे बाद में, फिर भी याद आएगा, हाँ वो व्यक्ति वहां बैठे।